बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिल खान और आप देख रहे हैं द न्यू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है 1 नवंबर और मैंने आपको बताया था 31 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक हमारा स्पोर्ट्स वीक है, फाइनल स्पोर्ट्स वीक। कल फर्स्ट डे था स्पोर्ट्स वीक का, कल फुल एंजॉय किया था, लेकिन कल मोबाइल लाना अलाउड नहीं था, मैंने परमिशन नहीं ली थी। आज मैंने परमिशन ले ली है। कुछ मैचेस कल हैं, कुछ मैचेस आज हैं। आज भी मैं आपको फुल ब्लॉग दिखाऊंगा हाईटेक का, पूरा स्पोर्ट्स वीक। सो अभी जल्दी जल्दी उठे और यूनिफॉर्म मैंने नहीं पहना। कल मैं यूनिफॉर्म पहन गया था, कल हमारा क्रिकेट का मैच था और हम हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सो अभी थोड़ी देर बाद वैन आ जाएगी। नाश्ता अभी तक नहीं किया हमने क्योंकि मामा को हमने जगाया ही नहीं और ना मैंने खुद बनाया, दिल ही नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने को। कल मेरी इतनी सख्त तबीयत ख़राब थी, यकीन माने मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से ब्लॉग एडिट किया, फिर सुबह पोस्ट किया, रात का खाना भी मैंने ही खाया था। अजीब सी तबीयत हो गई थी तो चक्कर आ रहे थे क्योंकि हम कल पूरा दिन बाहर थे। फर्स्ट पीरियड में बाहर गए थे और लास्ट पीरियड में भी वापस नहीं आए। बैग लेने के लिए आए थे पर उधर से ही ग्राउंड में, तो बहुत इन्जॉय किया था कल भी। आज भी जाएंगे, देखते हैं आज क्या माहौल होगा। और मैं आपको सारे ग्राउंड भी दिखाऊंगा, हाईटेक के, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हर चीज़ के ग्राउंड दिखाऊंगा। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। अभी बस बैग पैक करना है। बैग भी क्या पैक करना है, बस कुछ किताबें जो कल हम गलती से ले गए थे उनको निकालना है क्योंकि कल तो एक सेकेंड के लिए हमने बैग खोला ही नहीं है। तो चलते हैं अंदर। अभी ये रहा मेरा बैग, इसमें ये देखें, अभी तो काफ़ी भारी है, इसमें सारी चीज़ें निकालनी है। 2 किताबें ही रखी हैं मैंने, बाकी सब बाहर। बस ये बैग जो है ना, आप समझे, दिखावे के लिए लेके जाना पड़ रहा है। ये सारी बुक्स मैंने बाहर निकाल ली हैं, तो दिखावे के लिए इसलिए क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद ही कहा था कि बैग लाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी तो बैग आप क्यों ला रहे हो। ये देखें अब बैग इतना हल्का हो गया। चले जी, वैन वाला आ गया, अभी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हमारा, तो अभी चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। पहुंच चुके हैं स्कूल, अभी जल्दी से चलते हैं क्लासेस में। और टीचर को मैंने पहले आपको बताया था मोबाइल सबमिट करवाना है 3रे 4थे पीरियड में, वो मुझे मोबाइल वापस देंगी क्योंकि एहतियात भी तो है ना। करें जी, सामने मस्जिद, पहाड़ियाँ और सूरज अभी अभी निकला है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल की तरफ, अभी हम चलते हैं क्लासेस में। मोबाइल मुझे अंदर रखना पड़ेगा। हमारे क्लासेस कॉरिडोर राइट साइड पे 10th कॉरिडोर और लेफ्ट साइड पे 9th कॉरिडोर, मेरा है राइट साइड पे जी। हमारी क्लास प्रिफेक्ट, काउंसिल मेंबर, ये दोनों सामने बैठे हैं, बाकी क्लास फेलोज सारे, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। देखें इसकी आवाज़ें निकाल रहे, सर ने पकड़ लिया, लेक्चर के दौरान सर छोड़ेंगे नहीं। ओ, पकड़ा गया। 4 क्लासेज हो चुकी हैं, अब हुई है ब्रेक। पूरा दिन स्पोर्ट्स में सिर्फ 1 क्लास हुई है मैथ की। हम क्लास में पानी पीने के लिए आए थे, सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, रिवीजन स्टार्ट कर दिए, मैंने नाश्ता नहीं किया था इसलिए मामा ने साथ नाश्ते में दे दिया था मुझे लंच में सेवर फूड, और साथ पैसे भी लाए हूँ। तो देखिए हमारी मदर को हमारा कितना ख्याल है, सही कह रहा हूँ, मदर तो हमारी कितना ख्याल करती है, हमें भी करना चाहिए ना उनका। तो अभी हम सारे जा रहे हैं बाहर क्योंकि अब बाहर ही आना है, अंदर बैठने नहीं देंगे। क्लास के साथ एक बना हुआ है गार्डन छोटा सा, इधर से काफ़ी मज़े की हवा आती है। वो सामने जो ऊपर खिड़की नज़र आ रही है वो जूनियर स्कूल है, और बिल्कुल उसके नीचे जो आपको नज़र आ रही है वो सामने, ये है सेकेंड ईयर की क्लासेस, और उसके सामने ये है कैम्ब्रिज स्कूल। तो अभी चलते हैं बाहर, पूरी क्लास खाली है हमारी। सामने जी फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, नीचे प्री स्कूल के और जूनियर स्कूल के बच्चे हैं उनको बिठाया हुआ है। इसके अपोजिट साइड पे कैंटीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी कैंटीन हमारी सीनियर्स की, तो इधर हर चीज़ मिलती है, लेते हैं। रुमान कह रहा है प्यास लगी थी, मैंने सिर्फ बिग लीची ली है साथ रुमान, उसने सैंडविच लिया है। और ये है कैम्ब्रिज की फ्रंट साइड, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये रही कैम्ब्रिज स्कूल की फ्रंट साइड, उसके सामने बास्केटबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल जूनियर के हो रहे हैं वॉलीबॉल के मैचेस, और उधर सीनियर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी साइड पे फुटबॉल के भी मैचेस लगे हैं। थोड़ा सा आगे जाके है क्रिकेट का ग्राउंड, हम तो बाहर हो चुके हैं, और सामने मस्जिद, पहाड़ियाँ। अभी तो निकली है धूप काफ़ी, मैं और रुमान साइड पे बैठे जाऊँ मैं। ये सामने जी जूनियर स्कूल, सारे 5 तक इधर तक क्लासेस हैं, फिर प्री स्कूल आ जाता है, स्कूल एंड कॉलेज फॉर गर्ल्स। ये बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल ग्राउंड, वो सामने हमारी बिल्डिंग आ जाती है, जूनियर बॉयज़ सीनियर बॉयज़ इस साइड पे कैम्ब्रिज स्कूल। ये थोड़ी सेटिंग है, और सामने मस्जिद, मस्जिद के बाद वो सामने आ जाती है यूनिवर्सिटी हाई टेक की। सारे जा रहे हैं स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम है क्रिकेट का मैच जी हाई टेक की। स्टेडियम ग्राउंड, और इसके बिल्कुल सामने है जिना हॉस्टल, मैच लगा है क्रिकेट का, पता नहीं कौन कौन से हाउसेस का जी। तलहा बॉलिंग पे, बैटिंग पे है, साद है बैटिंग पे। तो ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, देखें बैक पे पहाड़ है और ऊपर सूरज निकला हुआ है। तो ये बाउंड्री है बैक की, कल जब हम खेल रहे थे बैक की इतनी बाउंड्री नहीं थी, सिर्फ आगे आ गई थी, और कल फंक्शन भी हुआ था, इस वजह से काफ़ी कचरा पड़ा हुआ था। तो चलते हैं अभी आगे, हुआ है मैच और दरमियान में बैठे हुए हैं हमारे उर्दू के सर और केमिस्ट्री के सर। ये देखें, ये जो राइट साइड पे हैं ये हमारे केमिस्ट्री के सर हैं, और लेफ्ट साइड वाले उर्दू के सर, सर साजिद इनको लग गई फिर ये नज़दीक से जी जिना हॉस्टल और साजिद की कैंटीन, बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की कैंटीन यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे। अभी हम वापस जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, और काफ़ी धूप है, इसी वजह से हम वापस आए हैं। धूप थी काफ़ी, ग्राउंड में बैठने की जगह नहीं थी, कोई किसी जगह छांव नज़र नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने रुमान ने डिसाइड किया जाते हैं उधर किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं। अभी 2 घंटे पड़े हैं छुट्टी में, हम खेलने लगे हैं अपना क्रिकेट, बैट हमारे पास मौजूद है, और इधर फुटबॉल का मैच होने लगा है। ये देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग, चलो आ जाओ जी। तू आएगा ओपनर, मैच हम जीत गए, हार्ड बॉल बैट से खेल रहे हैं, बॉल भी हार्ड बॉल है, तो चलो जी करवाओ। पहला मैच मैंने अपनी टीम को जिताया है, दूसरे मैच में मैं दूसरी बॉल पे आउट हो गया, हार्ड बॉल है ना, इस वजह से लगा है कॉर्नर फुटबॉल का। मैं इसके पीछे छुपा हूँ, काफी धूप है, तो बैट्समैन है ये, देखते हैं अब इस बॉल पे ये क्या करता है। चलो करवाओ, आई शॉट, चौका 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 छक्का। खेला यार आज, क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, अभी काफी थक गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं छुट्टी में। हमारे मेहताब भाई हमें बताएंगे इनका स्पोर्ट्स वीक कैसा जा रहा है भाई। बस नॉर्मली जा रहा है, जो अच्छे प्लेयर है उनको बाहर बिठा दिया और अपने अपने दोस्तों को अंदर ले। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, मैं भी इस बात पे एग्री हूँ जी। अफी भाई आप क्या कहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वीक कैसा जा रहा है आपका? अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का जा रहा है। क्यों, वजह? यार ये देखो सब अलहदा अलहदा खेल रहे हैं, कोई इन्होंने टीमिंग नहीं की। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कैप्टन बनाया है ना जिसको, उसने सबसे पहले अपने दोस्तों का नाम रखा है, चाहे उनको आता है खेलना या नहीं आता, बस वो सामने देखें काफ़ी, बस वो साथ साथ बॉल के रन ही कर रहे हैं। क्रिकेट में भी ऐसा ही हुआ है, तो जो ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे उनको बाहर बिठाया है ट्रायल्स लेके, हमें तो वापस बुलाया ही नहीं, ट्रायल्स नहीं है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ज़्यादा बुलाया है। तो क्रिकेट तो हमने खेल लिया, अंपायर हो गए इसी वजह से, क्योंकि हमारी टीम में अच्छे प्लेयर नहीं थे। बाकी अभी अगले साल ही आएगा स्पोर्ट्स वीक, अगले साल देखते हैं, हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे, क्या पता फिर हमारी कोई जगह बन जाए टीम में, हैं अल्लाह करे। बहुत अच्छे भाई हैं, एक ये और एक वो पीछे मेरा बैग ला रहे हैं, इन दोनों को हमने भेजा था क्लास में बैग लेने के लिए, ये दोनों भाई हमारे बैग ला रहे हैं, देखें कितने अच्छे भाई हैं।
तो अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं छुट्टी में, तो हम इधर से ही जाएंगे वैन की तरफ। ये हैं जी हमारे नुमान भाई, जो मैं हाईटेक से घर और घर से हाईटेक गिर गया, पिक एंड ड्रॉप देते हैं भाई वैन में। हर रोज यही लड़ाई होती है, फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा और इधर कौन बैठेगा, इधर और इधर, कोने में कोई बैठना पसंद ही नहीं करता। ओ भाई 2000 years later अल्हम्दुलिल्लाह घर वापसी हुई है और सबसे पहले खाना खाया है। मामा ने खाना पहले से तैयार किया था क्योंकि उन्हें पता है स्पोर्ट्स वीक है, थके हुए आते हैं। खाना तैयार किया, खाना खाया, फिर उसके बाद वुजू करके नमाज पढ़ी है। अब आके बिस्तरे में लेटा हूँ, बहुत ही सख्त थकावट है। वैसे इतना थकावट इस वजह से नहीं है कि हम स्पोर्ट्स खेलते रहे, खेली हमने स्पोर्ट्स भी है, लेकिन जो अपने ब्लॉक से लेके स्टेडियम तक जाना और आना वो भी काफ़ी रास्ता बनता है। फिर हम स्टेडियम के 2 चक्कर लगाए हैं, एक बार गए हैं फिर आए हैं और फिर गए हैं फिर आए हैं दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेली है, लेकिन अब देखते हैं अगर मेरे पाँव में थोड़ी सी मोच आ गई है, अगर वो ठीक हुई कल मैं जाऊँगा, वरना मैं कल नहीं जाऊँगा। बाकी आपने देख लिया होगा हाईटेक का स्पोर्ट्स वीक कैसे गुजरता है, और हर जगह हर ग्राउंड में रौनक होती है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हर चीज़। उस दिन पहले दिन तो रेस भी हुई थी, फुल ग्राउंड था, प्री स्कूल के बच्चे सब आए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, मज़ीद यूँ ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।